एक्सरसाइज है हमारे पास। एक्सरसाइज कौन सी चल रही है? 1G है ना। एक्सरसाइज 1G का आपने फोर्थ क्वेश्चन तक देख लिया था। इसके बाद आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का पार्ट 1। ओके, क्या है हमारे पास? इवेल्युएट फर्स्ट पार्ट है। 125 पावर 1/3 इस तरह का क्वेश्चन मान लो आपके सामने आया, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपके पास अंदर जो भी नंबर लिखा हो आपको क्या करना है, उसके फैक्टर करा लेने हैं, प्राइम फैक्टर्स है ना। तो 125 का फैक्टराइजेशन करा लो यहाँ पर, कैसे कराओगे बताओ? तो सबसे पहले तो 2 से नहीं दो जाएगा डिवाइड, 3 से नहीं हो रहा है ना, तो किससे कराओगे? 5 से है ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 5 2 जा और 5 5 जा 25। ओके, अब फिर से 5 से कराओ तो 5, और फिर से 5 से करा दो तो 1। इस तरह से आ जाएगा प्यारे बच्चों। अब हमारे पास ये जो आया है ये 5 × 5 × 5, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ? तो देखो 5 × 5 × 5 ये आया है ना, इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर कितना? 3 है ना। कितनी पावर है 5 की? कितनी पावर है यहाँ पर? 3 पावर। तो अगर इसका मतलब ये है कि अगर कहीं पर 125 लिखा हो उसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 3, और इस होल की पावर क्या चल रही है? 1/3। ये बात आ गई समझ में? 125 को हम क्या लिख सकते हैं? 125 के फैक्टर आए 5 × 5 × 5, और उसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 3 है ना। अच्छा, अब फिर इसके बाद हमने एक रूल पढ़ा है। क्या रूल पढ़ा है? वो रूल ये था हमारा कि अगर कभी भी ए की पावर एम हो और उसकी पावर एन चल रही हो तो क्या हो जाता है बताओ? तो आंसर है कि ये m × n हो जाता है। ये दोनों पावर क्या हो जाती हैं? मल्टीप्लाई में आ जाती हैं। तो यही काम आप यहाँ भी करा दो। देखो ये m है, ये n है, तो क्या हो जाएगा? a की पावर m × n है ना। ये पावर क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 3 से फिर ये 3 कैंसिल करा दोगे आप, तो आंसर क्या बच जाएगा? 5। 5 की पावर 1, या मैं कहूँ सिर्फ क्या बच गया? 5। ये आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो फिर से अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे? पहले फैक्टर कराओगे। फैक्टर कराने के बाद इसको लिख लोगे 5 की पावर 3, और होल पर पावर चल रही है 1/3 है ना। अब ये दोनों पावर मल्टीप्लाई में आ जाएंगी, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। इसी तरह के प्यारे बच्चों और सेकंड पार्ट देख लेते हैं हम। हमारे पास सेकंड पार्ट भी है, वो है 64 की पावर 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 64 की पावर 1/6 इस तरह का क्वेश्चन आ गया मान लो, कैसे करोगे इसको? सबसे पहला स्टेप आप याद रखना, सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन कराना होगा आपको है ना। तो देखो 2 से फैक्टराइज कराओ, इसका कितना आएगा? 32। 2 से डिवाइड कराओ, फिर से कितना आएगा? 16। फिर 2 से कराओ, कितना आएगा? 8। फिर 2 से करा लो, कितना आ जाएगा? 4। फिर 2 से करा लो, कितना आ जाएगा? 2। और फिर 2 से करा लो, कितना आ जाएगा? 1। तो ये हमारे पास इसका फैक्टराइजेशन आ गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 64 के जो फैक्टर आए हैं वो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, या मैं कहूँ 2 की पावर कितनी आई है? 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 6, और इस होल पर पावर क्या चल रही है? 1/6 है ना। जैसे यहाँ पर लिखा था ना हमने 5 को 5 की पावर 3 लिखा था, क्योंकि 5 3 टाइम्स आया था है ना। ऐसे 2 6 टाइम आ रहा है तो 2 की पावर 6 लिख लो। ओके, नाउ अब रूल कौन सा लगेगा सर? यही वाला रूल अप्लाई होगा। ए की पावर एम इंटू एन क्या होता है? ए की पावर एम इंटू एन। तो वही काम यहाँ पर कर दो, ये दोनों पावर कहाँ हो जाएंगी? मल्टीप्लाई में आ जाएंगी। तो 2 की पावर 6 × 1/6 इस तरह से हो जाएगा है ना। अब 6 से 6 कैंसिल, तो हमारा आंसर कितना आएगा प्यारे बच्चों? 2 हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन है ये तो है ना। सबसे पहला स्टेप होता है फैक्टर करा लो, फैक्टर में जो भी पावर की फॉर्म में लिख लो उसको, फिर ये दोनों पावर मल्टीप्लाई में आ जाती हैं और हमारा आंसर आ जाता है। इसके बाद प्यारे बच्चों एक और पार्ट है हमारे पास, थर्ड पार्ट, वो भी दिखा देता हूँ आपको। थर्ड पार्ट है 25 की पावर 3/2। 25 पावर कितनी? 3/2। इस तरह का क्वेश्चन मान लो आपके सामने आ गया, कैसे करोगे? तो इसको करना बिल्कुल आसान है। सबसे पहले फैक्टर किसके कराओगे? 25 के करा लो इसके फैक्टर। तो 5 से ये जाएगा 5 5 टाइम्स, फिर से 5 बन जा 5। तो 25 के जो फैक्टर आए प्यारे बच्चों हमारे पास वो कितने आए? 5 की पावर 2 है ना।
5 की पावर 2 फैक्टर आए और इस पर पावर कितनी चल रही है पहले से 3/2 ऐसे चल रही है ना। तो अब देखो इसको सॉल्व कर लो, तो रूल तो यही वाला काम करेगा, ये दोनों पावर कहाँ आ जाएंगी मल्टीप्लाई में, ए की पावर एम की होल पावर एन हो तो एम इन टू एन हो जाता है ना। तो ऐसे यहाँ पर हो जाएगा, ये ए की पावर एम है और ये एन है, तो एम इन टू में क्या हो जाएगा एन, ऐसे ठीक है ना। अब इस टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा 5 की पावर 3, ये वाली पावर बच जाएगी सिर्फ 3, और 5 की पावर 3 का मतलब 5 × 5 × 5 और इस सब का मल्टीप्लाई कराओगे तो प्यारे बच्चों कितना आंसर आएगा 125, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो जब भी आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसमें क्या करोगे, पहले फैक्टर करा लोगे, फैक्टर को पावर की फॉर्म में लिख लोगे है ना, और फिर ये दोनों पावर मल्टीप्लाई में लिखोगे और सॉल्व कर दोगे, इस तरह से हो जाएगा आपका ये थर्ड पार्ट। इसके बाद प्यारे बच्चों इसी तरह का एक और आसान वाला पार्ट भी है, वो भी देख लेते हैं, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 81 की पावर 3/4। इस तरह का क्वेश्चन मान लो आ गया, कैसे करोगे, तो सबसे पहला काम जो आपको कराना है वो ये कि आपको इसके फैक्टर करा लेने हैं, जो भी नंबर अंदर लिखा हुआ है ना यहाँ पर उसके फैक्टर करा लो। तो 3 से कराओ इसको डिवाइड 27, फिर 3 से कराओ कितना आएगा 9, और फिर 3 से कराओ 3 × 3 = 9, और फिर 3 से करा दो 3 × 3 = 3, ठीक है। तो बताओ 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3 × 3 है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4 है ना, 3 कितनी बार आ रहा, 4 टाइम ना, तो 3 की पावर 4 लिख दिया, ठीक है। तो 81 के फैक्टर करा के ये लिख लिया और पावर ये चली रही थी यहाँ पर। अब इसके बाद क्या करोगे, आपको पता है आप क्या करना है, m की m इंटू n करा देना है यहाँ पर है ना, तो 4 × 4 ऐसे। अब 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा 3 की पावर, ये बच गई 3 है ना, तो यहाँ पर 3 लिख लो, 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है सर, 3 × 3 × 3 ये मीनिंग हुआ करता है ना, और 3 × 3 × 3 कराओगे तो कितना आंसर आएगा प्यारे बच्चों 27, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हैं प्यारे बच्चों बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन, और इनमें सब में क्या करना होगा, पहले आपको फैक्टराइजेशन करा लेना है, और फैक्टराइजेशन कराने के बाद ये जब आप फैक्टर करा लेते हो तो फिर जो भी नंबर आएंगे उनको पावर की फॉर्म में लिख लो, फिर पावर क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई हो जाएंगी और सॉल्व करने पर आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम इसका फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं प्यारे बच्चों, देखो कितना आसान वाला पार्ट दे दिया, 64 की पावर -1/2, इस तरह का मान लो क्वेश्चन आ गया, कैसे करेंगे सर। देखिए सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है इसके फैक्टर करा लेंगे, तो 64 के फैक्टर कराओ पहले, तो देखो 2 से डिवाइड कराओ ये आएगा 32, फिर 2 से डिवाइड कराओगे कितना आएगा 16, फिर 2 से डिवाइड कराओगे कितना आएगा 8, फिर 2 से डिवाइड कराओगे कितना आएगा 4, फिर 2 से डिवाइड कराओगे कितना आएगा 2, फिर 2 से डिवाइड कराओगे तो कितना आएगा 1, इस तरह से आ जाएगा है ना। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर जो 64 है उसको 2 की पावर की फॉर्म में लिख दोगे, तो कितने 2 की पावर बनेंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 6, और इसकी होल पावर क्या चल रही है -1/2, ठीक है ना। तो ये 2 की पावर 6 रहेगा और इस होल की पावर -1/2 चल रही है। अब आपको रूल पता है कौन सा लगेगा, रूल आपने जो अभी अभी लगाया है वही सेम रूल काम करेगा कि अगर a की पावर m हो और उसकी भी पावर n आ जाए कभी भी, तो a की पावर क्या हो जाता है m into n, ये जो दोनों पावर होती हैं ये मल्टीप्लाई में आ जाती हैं है ना। तो देखो यही रूल यहाँ पर लगा रहा हूँ, 2 की पावर 6 × -1/2 ऐसे है ना, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई में आ गई। अब 2 से ये कैंसिल करा दो कितने टाइम 3 टाइम, तो देखो क्या हो जाएगा 2 की पावर -1 × 3 कितना आ जाएगा -3, ठीक है ना, ये वाला -1 और ये वाला 3 मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा -3। अब देखो ध्यान रखना, एक रूल मैंने आपको बताया था कि अगर a की पावर -1 हो तो उसको हम क्या लिख देते हैं 1/a, और यहाँ पर a की पावर 1 लिख सकते हो आप चाहो तो है ना। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ यहाँ माइनस में चल रही होगी अगर उसे डिवाइड में लिख दोगे तो कैसा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही काम यहाँ पर लिख लो, तो अभी ये 2 की पावर -3 है, इसे 1/ करके लिख दोगे तो ये पावर कैसी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर दो, तो 1/2 की पावर 3 का मतलब 2 × 2 × 2 इस तरह से,
और इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/8, इनका मल्टीप्लाई करा लो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, है ना। तो फिर से कैसे किया, 64 की पावर -1/2 क्वेश्चन चल रहा है, तो 64 के पहले फैक्टर करा लो, तो इसको क्या लिखोगे, 2 की पावर 6, है ना। अब यहाँ पर 2 की पावर m × n वाली फॉर्म बन गई, तो m का मल्टीप्लाई n में करा लो, यानी ये दोनों पावर मल्टीप्लाई में लिख लो। अब 2 से ये कैंसिल करा लो, कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम, तो 3 × -1 कितना आ जाएगा, -3, है ना, ये बच जाएगा। अब ये माइनस को प्लस बनाना चाहते हो तो 1/ ऐसे लेकर आ जाओ, तो ये प्लस की हो जाएगी पावर, फिर 2 की पावर 3 का मतलब 2 × 2 × 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/8, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट दिखा देता हूँ। सिक्स्थ पार्ट है मेरे पास 8 इसकी पावर -1/3, इस तरह का मान लो आपके पास क्वेश्चन आया, तो कैसे सॉल्व करोगे, बिल्कुल आसान है सॉल्व करना। सबसे पहले 8 के फैक्टर करा लो, तो 8 के फैक्टर क्या होंगे, पहले 2 से डिवाइड कराओगे 4, फिर 2 से डिवाइड कराओगे 2, फिर 2 से डिवाइड कराओगे 1, ऐसे आ जाएगा, तो ये फैक्टर आ गए, है ना। अब 8 को क्या लिख लोगे, 2 की पावर की फॉर्म में, तो 2 की पावर कितनी, 3, कितनी है ये 2, कितनी बार आ रहा है 2, 3 बार, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 2 की पावर 3, और इसकी पावर क्या चल रही है, 1/3। अब रूल कौन सा लगेगा बताओ, तो आंसर है कि ये दोनों पावर कहाँ आ जाएंगी, मल्टीप्लाई में, ये वाला रूल काम करेगा, ठीक है ना। तो ठीक है, लगा दो यहाँ पर ये वाला रूल, 2 की पावर क्या हो जाएगा, 3 × -1/3, है ना, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई में आ रही। अब इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो बताओ क्या बच गया, तो 2 की पावर बच गई प्यारे बच्चों, कितनी, -1 बच गई, तो 2 की पावर क्या लिख लो, -1, और a की पावर -1 हो तो वो 1/a लिखा जा सकता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/2, या हम कहें वो 2 की पावर 1। अब ये 1 लिखो मत लिखो वो एक ही बात है ना, तो ये 2 की पावर -1 लिखा है, तो इसको रेसिप्रोकल कर दोगे, मतलब कि 1/ करके लिख दोगे, तो ये 1/2 पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से बन जाएंगे। तो जब भी नेगेटिव पावर हो तो होंगे तो वो जैसे पॉजिटिव वाले सॉल्व कर रहे थे वैसे ही करोगे, बस लास्ट में उनको 1/ करके लिख दोगे तो वो आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5th। इसके बाद प्यारे बच्चों एक और आसान वाला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है 6th। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ a इक्वल्स टू क्या गिवन है, 2 गिवन है, एंड b इक्वल्स टू क्या गिवन है, 3, ठीक है ना। इफ a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू 3, देन फाइंड द वैल्यू। फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, a की पावर b + b की पावर a, और इसकी होल पावर कितनी, -1, इस तरह से हमें क्वेश्चन गिवन है। तो देखो कैसे करोगे, बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है ये, a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, यहाँ पर पुट कर लो, पहले तो a की वैल्यू यहाँ पर रखो कितनी है, 2, और b की जगह कितना रखोगे, 3, है ना, प्लस फिर से b की जगह कितना रखोगे, 3, और a की जगह कितना लिखोगे, 2, और इस होल की पावर कितनी चल रही है, -1, इस तरह से चल रही है, ठीक है ना। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे, 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया, 2 × 2 × 2, ये मीनिंग हुआ इसका, और 3 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया, 3 × 3, और इस होल की पावर कितनी चल रही है प्यारे बच्चों, -1। अब देखो 2 × 2 × 2 कितना, 8, प्लस 3 × 3 कितना, 9, और इस होल की पावर क्या चल रही है प्यारे बच्चों, -1, ऐसा चल रही है, ठीक है ना। अब इसको आगे सॉल्व कर दो, तो 8 और 9 प्लस करा लो कितना हो जाएगा, 17, और इसकी पावर क्या चल रही है, -1। अब 17 की पावर -1 चल रही है, तो बताओ इसको क्या लिखेंगे प्लस बनाने के लिए, 1/ करके लिख देंगे, 1/17, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो फिर से a पता है, b पता है, तो a की जगह a की वैल्यू लिखते जाओ, b की जगह b की वैल्यू लिखते जाओ, और फिर 2 की पावर 3 है तो इसको 3 बार लिख लो, या 3 की पावर 2 है तो इसे 2 बार लिख लो, और फिर सॉल्व करोगे, और पावर माइनस में इसे प्लस बनाना चाहते हो तो 1/17, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना। अब इसके बाद एक और आसान वाला पार्ट दिखा देता हूँ आपको, पार्ट सेकंड, इसी का सेकंड पार्ट दिखा देता हूँ, देखो कैसे करना है, बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। सेकंड पार्ट है मेरे पास, a की पावर a + b की पावर b, और इस होल की पावर कितनी, -1, इस तरह से चल रहा है। तो देखो वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 2, और यहाँ पर फिर से a की वैल्यू 2, फिर b की वैल्यू 3 गिवन है क्वेश्चन में हमें,
तो b की वैल्यू फिर से यहाँ पर 3, और इस होल की पावर कितनी चल रही है, -1। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 2 की पावर 2 कितना होता होगा, 4। मतलब कि ये बात तो सबको समझ में आती होगी, 2 की पावर 2 का मतलब ये होता है, और 3 की पावर 3 का मतलब 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करा कर लिखो, है ना। और इसको सॉल्व कर लो तो 2 × 2 कितना, 4, और इन सब का मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, 27। और इस होल की पावर कितनी चल रही है, -1। अब 27 + 4 कितना, आंसर है 31, है ना, और -1 इस पर पावर अभी भी चल रही है। तो अब 31 की पावर -1 है, इसे प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, तो आंसर अगर किसी भी चीज़ की पावर माइनस में चल रही हो तो उसे 1/a करके लिख देना चाहिए। तो 1/a, ये a की पावर -1 है, तो किसके इक्वल होगा, 1/a, इस तरह से हो जाएगा। तो ये आपका बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन हो गया। तो a की वैल्यू पुट करते जाओ, b की वैल्यू पुट कर दो, फिर उसको बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है इनकी, और सॉल्व करोगे तो ये आंसर मिलते जाएंगे। तो ये हो गया प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास, 81/49, इसकी होल पावर कितनी, -3/2। इस तरह का क्वेश्चन मान लो आपके सामने आ गया, कैसे करोगे इसको, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले क्या करोगे, जो ऊपर वाला नंबर है इसके फैक्टर करा लो। तो 81 के फैक्टर कितने होंगे, पहले 3 से डिवाइड कराओगे कितना आएगा यहाँ पर, 27, फिर 3 से डिवाइड कराओगे कितना आएगा, 9, फिर 3 से डिवाइड कराओगे कितना आएगा, 3, और फिर 3 से डिवाइड कराओगे तो कितना आ जाएगा, 1। ये तो हो गए 81 के फैक्टर, ठीक है। और फिर 49 के फैक्टर, तो 49 के फैक्टर क्या होते होंगे, 7 से डिवाइड कराओगे 7, फिर 7 से डिवाइड कराओगे 1, इस तरह से आपके आ जाएंगे 49 के फैक्टर, ठीक है ना। अब क्या करोगे, यहाँ से 81 को हम क्या लिख पाएंगे, जो हमने फैक्टर कराए हैं, क्या लिखेंगे, 3/4, ऐसे, ठीक है ना। और इसको 49 को हम क्या लिख लेंगे, 7/2, ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद इस होल पर पावर क्या चल रही है, -3/2, ओके। अब देखो आपने एक रूल पढ़ा था, क्या रूल पढ़ा था, कि a/b की होल पावर अगर n हो तो उसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर n अलग और b की पावर n अलग, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये हमारा a है, ये b है, और इस होल पावर क्या चल रही है, n, तो इसको हम क्या लिख पाएंगे बताओ, तो 3/4, इसको -3/2 इसके ऊपर अलग लगा लो और इसके ऊपर अलग लगा लो, ऐसे, ठीक है। फिर से 81 के हमने फैक्टर करा कर लिख लिए, 49 के हमने फैक्टर करा कर लिख लिए। अब ये जो पावर है, ये a/b की होल पावर है, तो ये जो पावर है इस पर अलग लगा सकते हो, ऊपर वाले न्यूमरेटर पर अलग लगा लो और डिनोमिनेटर पर अलग से लगा सकते हो, ठीक है ना। अब ये बिल्कुल आसान हो गया करना, कैसे, हमने एक रूल और पढ़ा है कि अगर a की पावर m हो और उसकी पावर भी n चल रही हो तो क्या हो जाता है, m×n, ऐसे पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो वही काम यहाँ पर भी होगा, क्या होगा, 3/4, ये दोनों पावर कहाँ आ जाएंगी, मल्टीप्लाई में, तो 4 × -3/2, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद कैसे करोगे, नीचे भी सेम यही काम करा लो, ये a की पावर m×n है ना, तो ये दोनों पावर भी मल्टीप्लाई में लेकर आ जाओ, तो 2 × -3/2, इस तरह से आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये कितने टाइम, 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो देखो क्या बचेगा हमारे पास, 3/2 × -3 कितना आ जाएगा, -6, ये आ जाएगा। और इसके नीचे अपॉन में क्या चल रहा है, 7, इसकी पावर कितनी बची हुई है, -3, ऐसे ये आ जाएगा, ओके। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करके लिखना है, तो सॉल्व करके लिखने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी पावर जो है, इनकी पावर को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो पॉजिटिव कैसे बनाएंगे सर, पॉजिटिव बनाना बिल्कुल आसान है, जो चीज़ नीचे लिखी है वो ऊपर ले जाओ, तो ये कैसी हो जाएगी, प्लस की, और जो चीज़ ऊपर लिखी है वो नीचे लेकर आ जाओ, तो ये भी कैसा हो जाएगा, प्लस का। तो हमने क्या किया, इसको चेंज कर दिया, क्योंकि जो रूल है हमारे पास वो क्या है, a की पावर -1 किसके इक्वल होता है, 1/a के, है ना, इस तरह से रहता है। तो जो हमारा जो चीज़ हमारी माइनस में चल रही है उसे उल्टा करके लिख देंगे, रेसिप्रोकल में लिख देंगे, तो कैसी हो जाएगी, प्लस की। वैसे वही काम हमने यहाँ भी किया,
कि 7 की पावर माइनस 3 को 1 अपॉन 7 की पावर 3 लिखोगे, वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। या आप डायरेक्ट समझ लो कि इसको ऊपर ले जाओ तो ये प्लस का हो जाएगा, इसको नीचे लेके आ जाओ तो ये प्लस का हो जाएगा। अब इनको सॉल्व करके लिख दो, तो 7 की पावर 3 का मतलब कितना होता है कि 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कराओ, और 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना मिल जाएगा? 343, है ना। 7 × 7 × 7 कराओगे। इसी तरह से 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई जब कराओगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 729। ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7th का फर्स्ट पार्ट। ये है एक आसान वाला क्वेश्चन। देखो कैसे किया, सबसे पहले 81 के फैक्टर करा लिए, फिर 49 के फैक्टर करा लिए, और इस पर होल पावर जो चल रही है उसे चलने दिया। फिर हमने क्या किया, न्यूमरेटर की पावर अलग कर ली और डिनोमिनेटर की पावर अलग लिख ली, ठीक है। फिर यहाँ पर m इंटू n वाली फॉर्म बन गई, तो यहाँ पर इन दोनों पावर का मल्टीप्लाई हो गया और नीचे इन दोनों पावर का मल्टीप्लाई हो गया। फिर जो कैंसिलेशन होने थे वो कैंसिलेशन करा दिए, तो हमारे पास 3 की पावर बच गई माइनस x, 2 × −3 − x, और यहाँ पर 7 की पावर माइनस 3 बच गई। अब इसको प्लस बनाने के लिए ये ऊपर लिख दिया और ये नीचे लिख दिया, तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना। ये काम आप चाहो तो पहले स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा पॉजिटिव बन गया। फिर 7 की पावर 3 यानी 7 × 7 × 7, तो ये 343 आ जाएगा, और ऐसी 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई कराओगे तो 729 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7th का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th का सेकेंड पार्ट, ये है मेरे पास 14641 और इसकी पावर क्या लिखी हुई है? 0.25। इस तरह का मान लो आपके पास क्वेश्चन आ गया, तो आप कैसे करोगे इसको? बिल्कुल आसान है। सबसे पहले 14641 इसके प्यारे बच्चों हमें क्या कराने हैं? फैक्टर कराने हैं, तो फैक्टर कराओ। तो जब आप फैक्टर कराओगे तो 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो 11 बन जाए 11, ठीक है। यहाँ कितना बच जाएगा हमारे पास? 3। फिर 11 3 जा 33, कितना बच जाएगा? 3। फिर 11 3 जा 33, फिर 11 बन जा 11, ओके। फिर से 11 से कराओ, तो देखो कितना आएगा, 11 बन जा 11, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। 2 बच जाएगा, फिर 11 2 जा 22, फिर 1 बच जाएगा, फिर 11 बन जा 11। फिर इसके बाद फिर से 11 से कराओ, तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। फिर से 11 से कराओगे, यहाँ 1 आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, 11 की पावर 4, क्या लिख सकते हैं? 11 की पावर 4, इसके फैक्टर क्या है? 11 की पावर 4। और यहाँ जो 0.25 चल रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 100, है ना। तो ये बन जाएगा 25/100, यहाँ से पॉइंट हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ 25 बन जा और 25/4 जा, ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बचा हमारे पास? 11 की पावर 4 और इस होल की पावर क्या? 1/4, ऐसे, ठीक है ना। फिर से इसके हमने फैक्टर कराए 11 की पावर 4, और 0.25 में हमने क्या किया? पॉइंट हटाकर नीचे 100 लिख लिया, फिर 25 से कैंसिल हो गया 1/4 टाइम, तो हमारे पास ये टर्म बचा हुआ है। और यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा ये वाला m इंटू n वाला, है ना। तो ये दोनों पावर कहाँ आ जाएंगी? मल्टीप्लाई में। तो 11 की पावर 4 इंटू 1/4, फिर से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना बच जाएगा? 11 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये एक आसान वाला क्वेश्चन है, इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद इसी तरह के और भी क्वेश्चन हमारे पास हैं, उनको देख लेते हैं। ये हो गया सेकंड पार्ट, इसके बाद थर्ड पार्ट दिखा देता हूँ आपको। देखिए थर्ड पार्ट, 7th का थर्ड पार्ट क्या है? 32/243, इस तरह से है, और इस होल की पावर हमें क्वेश्चन में गिवन है माइनस का 4/5, है ना। ऐसा क्वेश्चन मान लो आपके सामने आया, तो सबसे पहले आप क्या कराओगे? 32 के फैक्टर कैसे कराओगे? 2 से डिवाइड कराओगे 16, फिर 2 से डिवाइड कराओगे 8, फिर 2 से डिवाइड कराओगे 4, फिर 2 से डिवाइड कराओगे 2, फिर 2 से डिवाइड कराओगे 1। तो ये तो आ गए हमारे पास 32 के फैक्टर। इसी तरह से 243 के फैक्टर करा लो। 243 के फैक्टर कैसे कराओगे? पहले 3 से, ये आ जाएगा 81, फिर 3 से, तो कितना आ जाएगा बोलो? ये
ये हमारे पास आ जाएगा 27, फिर कितना आ जाएगा 9, फिर कितना आ जाएगा 3, फिर कितना आ जाएगा 1, ऐसे। तो ये हो गए प्यारे बच्चों फैक्टर। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे सर? देखो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, है ना, फैक्टर की फॉर्म में लिख दिया। ओके, अब इसके बाद 243 को भी इसके फैक्टर की पावर की फॉर्म में लिख दो, तो ये कितना है 3 की पावर 5, ऐसा। ओके, बिल्कुल आसान है ये तो। और माइनस का क्या चल रहा है, 4/5, इसे चलने दो अभी ऐसे ही। अब यहाँ पर क्या रूल लगाओगे, जो हमारी पावर है वो न्यूमरेटर के ऊपर अलग लगा लेंगे, डिनोमिनेटर के ऊपर अलग लगा लेंगे, है ना। तो 2 की पावर 5 की पावर -4/5 और अपॉन 3 की पावर 5 की पावर -4/5, ये अलग इस तरह से आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे सर, अब तो बिल्कुल आसान करना। देखो 2 की पावर, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई में आ जाएंगी, तो 5 × -4/5 ऐसे आ जाएगा, अपॉन इसी तरह से नीचे 3 की पावर, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई में आ जाएंगी, 5 × -4/5 ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब इस 5 से ये 5 कैंसिल, इस 5 से ये 5 कैंसिल, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, हमारे पास बचेगा 2 की पावर -4, ये बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, 3 की पावर -4। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमने ये रूल पढ़ा है कि a की पावर -1 हो उसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/a, ऐसे लिखेंगे, है ना। तो वही काम यहाँ भी करोगे, यहाँ पर कैसे करोगे इसको, देखो इसको लिखोगे 1/2 की पावर 4, है ना, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसे इसको लिखोगे 1/3 की पावर 4, ऐसे। तो ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे, तो क्या आ जाएगा, 3 की पावर 4 और नीचे 2 की पावर 4। तो ये वाला स्टेप मैं बीच में स्किप कर देता हूँ, मैंने आपको ऐसे डायरेक्ट बोलना शुरू कर दिया है कि जो ऊपर चीज़ पॉजिटिव नेगेटिव है वो नीचे आके पॉजिटिव हो जाती है, जो नीचे नेगेटिव है वो ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाती है। तो आगे से ध्यान रखना, अगर इसको पॉजिटिव बनाना है तो इसको ऊपर लिख दो, इसको नीचे लिख दो, तो ये पॉजिटिव बन जाते हैं। और इनका रूल यही होता है कि मतलब इस चीज़ को क्या लिखना होगा, 1/a, इसको भी 1/a, इस तरह से। तो ये ऊपर आ जाता है और ये नीचे, तो इसको डायरेक्ट लिखना सीख लो, ये चीज़ नीचे ले जाकर लिख दो पॉजिटिव, ये ऊपर ले जाकर लिख दो पॉजिटिव। अब इसको आगे सॉल्व कर लो, तो 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 की पावर 4 का मतलब हो गया 81, और 2 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया, 16। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये चल रहे हैं प्यारे बच्चों बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7th का 3rd पार्ट, ठीक है। इसी तरह से इसमें एक पार्ट और गिवन है, वो भी दिखा देता हूँ आपको नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास 4th पार्ट, 4th पार्ट देखिए किस तरह से करोगे, 7 7 7 6 और अपॉन में गिवन है हमें 243, और इसकी होल पावर हमारे पास गिवन है माइनस का 3/5, इस तरह से प्यारे बच्चों ये हमें गिवन है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे पहले इसके फैक्टर कराने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो फैक्टर कराओ, कैसे कराओगे फैक्टर, सबसे पहले 7 7 7 6 के फैक्टर कराओ, तो किससे डिवाइड कराओ, सबसे पहले 2 से, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, है ना। फिर 2 से कराओ, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, ऐसा आ जाएगा। फिर इसके बाद फिर से करा दो, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर कराओ 2 से, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, है ना, इस तरह से आ जाएगा, 2 6 जा 12, ये बन जाएगा। फिर इसके बाद कराओ 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, एंड यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, ऐसे आ जाएगा। और फिर इसके बाद हमारे पास 243 आ जाएगा, और 243 के फैक्टर कितने होंगे, यहाँ पर 3 से करा दो 81, फिर 3 से करा दो कितना आएगा बोलो, ये हमारे पास आ जाएगा 27, फिर 3 से करा दो कितना आ जाएगा 9, फिर 3 से करा दो कितना आ जाएगा 3, फिर 1, इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 7 7 6 के जो फैक्टर आए हैं उनको लिख लेंगे, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर हमारी कितनी आ रही है, 5 × 2, 3 की पावर भी कुछ आ रही है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 3 की पावर 5, ऐसे आ रहा है ना।
ये बन रहा है हमारा, ये तो हमने लिख लिया 776 के फैक्टर। अच्छा 243 के भी फैक्टर कराने हैं, 243 के फैक्टर एक ऑलरेडी हमने यहाँ पर कर लिए हैं, वो कितने हैं 3 की पावर 5। तो 243 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 5, और इस होल के पावर कितनी चल रही है, माइनस का 3/5, इस तरह से चल रही है, ठीक है ना। अब देखो कैसे करोगे इसको, फिर से समझो, 7776 के फैक्टर हमने ये कराए तो वो क्या आए, 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5, ठीक है, ये फैक्टर हमने यहाँ लिख लिए। और हमें नीचे 243 के फैक्टर लिखने थे, तो 243 के फैक्टर देखो यहीं इस जब हम इसके करा रहे थे तभी आ गए थे पहले से ही, 243 के फैक्टर कितने आएंगे, 3 की पावर 5। अब यहाँ पर 3 की पावर 5 से 3 की पावर 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 की पावर 5, है ना, और इस होल की पावर कितनी चल रही है, माइनस का 3/5, ऐसे, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर लो, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 5 × −3/5, इस तरह से आ जाएगा, है ना, ये पावर मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, तो 5 से 5 कैंसिल, क्या बचेगा, 2 की पावर −3, यही तो बच जाएगा हमारा 2 की पावर −3। अब इस 2 की पावर −3 को हम क्या लिख सकते हैं, तो हमें इसको पॉजिटिव बनाना है, तो 1/2 की पावर 3 लिख देंगे इसको, ऐसे ये वाला जो रूल है हमारा, है ना। अब 1/2 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया, 8, 2 की पावर 3 का मतलब 2 × 2 × 2, और वो कितना आ जाएगा, 8, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7th का 4th पार्ट, इस तरह से हो जाएगा, बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8th, इसका पार्ट 1 देख लेते हैं। 4/, आपको कैसे गिवन है क्वेश्चन, 216 की पावर −2/3, इस तरह से गिवन है, ठीक है ना, और प्लस 1/, क्या गिवन है, 256 इसकी पावर गिवन है कितनी, −3/4, ऐसे, और प्लस 2/, क्या गिवन है, 243 की पावर −1/5, इस तरह से। तो इसको हमें सॉल्व करना है, तो बिल्कुल आसान है इसको सॉल्व करना, तो कैसे करोगे, सबसे पहले 4 ऐसे ही लिखोगे, अपॉन 216 के फैक्टर करा लो, तो 216 के फैक्टर क्या होंगे, यहाँ पर करा रहा हूँ, 2 से डिवाइड करा रहा हूँ, 108, फिर 2 के फैक्टर करा रहा हूँ 2 से, है ना, 5 और ये 4, फिर 2 से करा दो तो कितना आएगा, 27, फिर 3 से करा दो तो कितना बन जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, फिर 3 से करा दो तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3, फिर 3 से करा दो यहाँ कितना आ जाएगा, 1, तो ये इसके फैक्टर बन गए हमारे, ठीक है ना। अब 216 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 × 3 की पावर 3, ऐसे, और इसकी पावर क्या चल रही है, −2/3। फिर से 4 ऐसे ही लिखा, 216 के फैक्टर जब हमने कराए तो हमें क्या मिले, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, तो ये लिख लिया, ठीक है ना। अच्छा प्लस, अब अगला काम करो, 1/, अब 256 के फैक्टर करा लो, 256 के फैक्टर क्या आएंगे, 128, फिर कराओ 2 से ये 6, है ना, और ये 4, फिर करा दो तो ये कितना आएगा बोलो, ये हमारे पास बन जाएगा 32, फिर करा दो कितना आएगा, 16, फिर करा दो कितना आएगा, 8, फिर करा दो कितना बनेगा ये, 4, फिर करा दो कितना बनेगा ये, 2, फिर करा दो तो कितना बन जाएगा, 1, इस तरह से कुछ चल रहा होगा, है ना। तो आप क्या करना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने फैक्टर बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे, है ना। तो मतलब कि कहने का मतलब है 2 की पावर 8 लिख पाओगे आप इसको, और माइनस में क्या चल रही है, −3/4, है ना, पावर चल रही है −3/4। तो देखो इसके फैक्टर करा कर लिख लिए, 256 के फैक्टर करा कर देख लेना आप कितना आ जाएगा, 2 की पावर 8, और प्लस 2/, 243 के फैक्टर कराओ, 243 के फैक्टर कितने होते होंगे, तो यहाँ पर 3 से 81, फिर 3 से कराओगे 27, फिर 3 से कराओगे कितना आएगा, 9, फिर 3 से कराओगे 3, फिर 3 से कराओगे 1, तो 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो यानी कि 3 की पावर 5 और उसकी भी पावर कितनी, −1/5, इस तरह से चल रहा है,
अब क्या करेंगे आगे, देखो बिल्कुल आसान है, 4 अपॉन यहां पर ये जो पावर है इसको इस पर अलग लगा लो और इस पर अलग लगा लो, मतलब या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसको ऐसे लिख सकते हो, बेस डिफरेंट है पावर सेम है तो क्या होगा, बेस मल्टीप्लाई में आ जाएंगे ऐसे, ठीक है ना। ये दोनों बेस कहाँ पर आ जाएंगे, मल्टीप्लाई में, और पावर क्योंकि सेम है इनकी, और इस पर भी पावर क्या चल रही है, इस पर पावर क्या चल रही है, माइनस का 2/3। ये वाला स्टेप फिर से देखेंगे, यहाँ पर पावर कैसी है, सेम, तो बेस क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई ऐसे, ठीक है ना। इस पर होल पे पावर आ जाएगी 3, और इस सब पर पावर कितनी चल रही है, माइनस का 2/3। ओके, अब इधर आ जाओ, प्लस 1 अपॉन 2 की पावर, ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 8 इंटू माइनस का 3/4, ठीक है ना, इस तरह से बन जाएगा। और प्लस यहाँ पर देखो क्या बनेगा, 3 की पावर 5 इंटू माइनस का 1/5, ऐसे आ जाएगा। तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई में आएंगे, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई में आएंगे। अब इसके बाद कुछ सॉल्व हो रहा तो सॉल्व कर दो, जैसे 4 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो देखो क्या बचेगा हमारे पास, 4 अपॉन 2 इंटू 3 6, और इसकी पावर क्या चल रही है, 3। अब ये दोनों पावर भी मल्टीप्लाई में आ जाएंगी, तो 3 इंटू माइनस का 2/3, ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो गए, और ये दोनों पावर कैसी हो गई, मल्टीप्लाई में, ठीक है। प्लस 1 अपॉन यहाँ पर क्या बचेगा मेरे पास, देखो 2 की पावर में ये वाला 2 और ये माइनस 3, कितना आ जाएगा, -6, ठीक है ना, -6 बन जाएगा। प्लस 2 अपॉन यहाँ पर 5 से 5 कट गया, तो 3 की पावर क्या बची है, -1, ये बचा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद इसको आगे सॉल्व करना है, तो देखो आगे कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आसान है आगे सॉल्व करना। देखिए कैसे करेंगे, 4 ऐसे ही लिखेंगे अपॉन, इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 की पावर कितनी बची होगी, -2। प्लस ये माइनस का है, ऊपर ले जाकर लिख दो, प्लस का हो जाएगा, प्लस ये ऊपर जाएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 पावर 1 हो जाएगा ये ऊपर जाकर, है ना, ऐसे वही सेम काम यहाँ पर भी करा दो, 4 इंटू 6 की पावर कितनी हो जाएगी, 2, पॉजिटिव हो जाएगी, ऊपर जाएगी तो, है ना। अच्छा, प्लस 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कितना होता है, 64, प्लस 2 इंटू 3 कितना, 6। अच्छा, अब यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू में क्या, 36, और 64 और 6 ऐड करा लो, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 70, ठीक है ना। अब इसके बाद आगे सॉल्व कर लो, तो 36 इंटू 4 ये कराओ, तो ये कितना बनेगा, 4 इंटू 6 24, और 4 इंटू 3 12 144, है ना, और प्लस में क्या चल रहा है, 70, इस तरह से चल रहा है। तो इसको जब आगे सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर कितना बनेगा, इनको ऐड कराना होगा, तो इनको ऐड करा लो, तो देखो 4 और 0 4, 7 और 4 11, 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 2, तो 214, ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो बिल्कुल आसान है इस क्वेश्चन को करना, सबसे पहले इसके फैक्टर कराओ ये आ जाएंगे, इसके फैक्टर कराओ ये आ जाएगा, इसके फैक्टर कराओ ये आ जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर ये वाली पावर, यहाँ पर पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ पर ये पावर मल्टीप्लाई में आएंगी, यहाँ पर ये पावर मल्टीप्लाई में आएंगी, ठीक है। मल्टीप्लाई पे आने के बाद अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, ये बच जाएगा, यहाँ पर भी ये पावर मल्टीप्लाई में आ जाएंगी और बेस मल्टीप्लाई होकर ये लिख दिए, और कुछ कैंसिल हो रहा हो तो कैंसिल कर दो। अब जहाँ जहाँ भी माइनस में लिखी हुई है पावर नीचे, वो ऊपर जाकर प्लस की लिख दो, ऐसे ऊपर गई है प्लस की, ये भी ऊपर आएगा प्लस का, फिर इसको सॉल्व कर दो, ये आंसर बन जाएगा। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1। इसके बाद नेक्स्ट पर आ जाते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 2। देखिए इसको कैसे करेंगे, एट्थ पार्ट 2। पार्ट 2 क्या है हमारे पास, 64
अपॉन 125 इसकी पावर हमें गिवन है, कितनी माइनस का 2/3, ओके, प्लस 256 अपॉन 625 इसकी भी हमें पावर गिवन है, कितनी माइनस का 1/4, और प्लस 3/7 इसकी पावर कितनी 0, इस तरह से हमें गिवन है, ठीक है ना। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो देखो कितना आसान वाला क्वेश्चन दे दिया। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसके और इसके फैक्टर कराने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 64 के फैक्टर करा लो, तो 64 के फैक्टर क्या होते होंगे, देखो यहाँ पर 64 के फैक्टर 2 से 32, 16, 8, 4, 2, 1, ये फैक्टर आ गए हमारे पास। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2^6, है ना। इसी तरह से 125 के फैक्टर करा लो, तो 125 के फैक्टर क्या होते होंगे, 5 से डिवाइड कराओ 25, फिर 5 से कराओगे 5, फिर 5 से कराओगे 1, तो ये कितना आ जाएगा 5^3। और इस होल की पावर कितनी चल रही है, माइनस का 2/3, ठीक है ना। तो अभी तक हमने क्या किया, 64 के फैक्टर करा लिए और 125 के फैक्टर करा लिए, ठीक है। अब हमें किसके फैक्टर कराने हैं, 256 के और 625 के। तो 625 के फैक्टर और 256 के फैक्टर करा लो, तो 2 से ये डिवाइड कराओगे कितना आएगा बोलो, 1, और यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर 8, फिर 2 से कराओ 6, 4, तो देखो 64 पे पहुँच गए, और 64 के बाद ये हमारे पास हैं, तो यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इसका मतलब 256 के फैक्टर कितने होते होंगे, 2^8। ये समझ आ गया कैसे लिखा, 256 के जब फैक्टर करा रहे थे तो यहाँ 64 पे पहुँच गए, और इसके आगे का कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो 6 यहाँ पर हैं और 2 यहाँ पर थे, तो कितना हो गया 2^8। इसी तरह से 625 के फैक्टर करा लो, तो 5 से 1, 2, 5, है ना, ऐसे आ जाएगा। और 125 के आगे के फैक्टर ये लिखे हुए हैं यहाँ पर, तो 3 ये और 1 ये, कितना हो जाएगा 5^4, है ना। और माइनस में क्या चल रहा है, 1/4, इस तरह से चल रहा है, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको आगे, प्लस में 3/7 की होल पावर 0 है, तो होल पावर अगर किसी के नंबर की पावर 0 हो तो आंसर कितना होता है, 1 होता है उसका आंसर, है ना। तो यहाँ पर मैंने 1 लिख लिया। अब इसके बाद आगे सॉल्व करना है, तो देखो आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 1 किसी भी नंबर की पावर 0 हो वो 1 होता है, क्यों होता है ये समझ आता है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो 1 क्यों होता है। तो देखो जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए, जैसे 2^0 कहीं पर लिखी हुई है, तो उसको हम क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं, तो 1 क्यों लिख देते हैं, तो आंसर है कि अगर कहीं पर 0 लिखा हो तो क्या 0 को ऐसे लिखा जा सकता है, कुछ भी, जैसे एग्जाम्पल के लिए 1-1 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, 0 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1-1, तो आंसर है हाँ लिख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा अब इसको आगे सॉल्व कर लो, तो 2^1 × में क्या, 2^-1, इस बात का मीनिंग यही होता होगा, होगा या नहीं होगा, देखो बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो ये 1-1 आता होगा, है ना। और इसको आगे सॉल्व कर लो, तो 2 × 2^-1 का मतलब कितना होता है, 1/2, और 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा, सॉरी 1, है ना, आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा इसका। तो इसका मतलब ये है कि कभी भी हमारे पास किसी भी नंबर की पावर 0 लिखी हो, जैसे आगे एग्जाम्पल 2^0 लिखी है, तो 0 को आप ऐसा लिख सकते हैं 1-1, 1 में से 1 माइनस करो तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। और 1-1 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2^1 अलग और 2^-1 अलग, क्योंकि ये हमने रूल पढ़ा है कि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो 1-1 में ऐड कराया होगा माइनस 1, तभी तो ये आया होगा, है ना। तो अब 2 ऐसे ही ठीक है, 2^-1 का मतलब 1/2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। ऐसे कोई भी नंबर हो, जैसे मान लो 3^0 है, तो उसका आंसर 1 क्यों होता है, तो आप इसको क्या कहोगे कि 3^0 है, 0 को कुछ भी लिख लो, कुछ भी लिख लो का मतलब क्या है, कि यहाँ पर तो आपने 1-1 लिखा था, आपके जो मन में आए वो लिख लो, यहाँ से 2-2 लिख लो, 1-1 लिख लो, 3-3 लिख लो, बस उनको सॉल्व करके आंसर 0 होना चाहिए। तो 3^0 का मतलब 2-2 ही तो हुआ, या 1-1, 3-3, 4-4, 100-100, कुछ भी लिख लो जो मन में आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना।
अब देखो इस चीज का मीनिंग क्या है, ये चीज कब आई होगी, तो आंसर है जब 3 की पावर 2 और 3 की पावर माइनस 2 ऐसे रहा होगा। ये दोनों देखो इस चीज को जब सॉल्व किया गया होगा, बेस सेम है तो पावर क्या हो गई होगी, एड 2 प्लस माइनस 2, तो 2 माइनस 2 आया होगा। और इसको आगे सॉल्व करोगे तो 3 की पावर 2 और इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 की पावर 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो आप किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसका आंसर ऑलवेज क्या होता है 1 होता है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। और यहाँ पर लिखने के लिए जरूरी नहीं है 2-2 लिखा जाए, 1-1 करके करते हैं तो 3 की पावर 1, 3 की पावर माइनस 1 आती तो 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाता, आंसर 1 आता। तो ये इस तरह से आप, अगर कोई पूछता है कि 1 की पावर 0 मतलब किसी भी नंबर की पावर 0 1 की होती है, तो आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है ना। फिर इसको आगे सॉल्व कर लो तो 2 की पावर 6 की पावर माइनस का 2/3 ये अलग कर लो, और 5 की पावर 3 की पावर माइनस 2/3 ये अलग कर लो। इसी तरह से 2 की पावर 8 की पावर माइनस 1/4 अलग कर लो, और 5 की पावर 4 की पावर माइनस 1/4 अलग कर लो, और प्लस में 1 चल ही रहा है। क्या कर दिया, जो पावर है वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ सेपरेट करके लिख दी, ठीक है ना। अब ये तो आपको पता ही है, जब इतने क्वेश्चन कर लिए तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, ये मल्टीप्लाई में आएंगे, ये मल्टीप्लाई में आएंगे, ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 6 इंटू माइनस का 2/3 अपॉन 5 3 इंटू माइनस का 2/3 प्लस इसके बाद 2 की पावर 8 यहाँ पर मुझे ऐसे लिखना चाहिए 8 इंटू माइनस का 1/4 अपॉन 5 की पावर 4 इंटू माइनस का 1/4 ऐसे आ जाएगा। अब प्लस में क्या चल रहा है 1, ठीक है। इसको आगे सॉल्व कर लो तो देखो यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर लो, 3 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, और यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, ऐसे यहाँ पर 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, और यहाँ 4 से 4 कैंसिल। तो क्या बचेगा फाइनली, 2 की पावर 2 इंटू माइनस 2 कितना आ जाएगा, माइनस का 4, और नीचे 5, 5 की पावर कितनी बचेगी, माइनस 2 ऐसे, प्लस यहाँ पर कितना बचेगा 2 की पावर 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 अपॉन 5, यहाँ पर 5 की पावर कितनी बची, माइनस 1, और प्लस में क्या चल रहा है 1। अब इसको आगे सॉल्व कर लो, आगे सॉल्व करना बिल्कुल आसान है, ये नीचे माइनस का है ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो नीचे आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो मतलब इनको चेंज कर दो तो क्या बनेगा, देखो 5 की पावर माइनस 2 तो ये प्लस की बन जाएगी है ना ऊपर जाकर, और ये नीचे आ जाएगा 2 की पावर 4 ऐसे, प्लस यहाँ पर भी चेंज कर दो, ये ऊपर ले जाकर ले दो और ये नीचे, तो 5 ऊपर आ जाएगा और 2 की पावर 2 नीचे आ जाएगी, प्लस का बन जाएगा, ठीक है ना। अब इसको आगे सॉल्व कर दो तो 5 की पावर 2 कितना होता है 25, और 2 की पावर 4 कितना होता है 16, प्लस 5 ऐसे ही ठीक है, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, और प्लस में 1। अब यहाँ पर एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 16, तो यहाँ पर कितना आएगा 25 प्लस 4 जा 16, 4 जा 20 प्लस इसके नीचे 1 लिख लो, तो 1 से ये 16, 16 इंटू 1 16 ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। अब इनको ऐड करा लो तो 25 प्लस 20 कितना 45, और 45 और 16 ये कितना बनेगा हमारे पास 61 अपॉन में क्या 60, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो गया प्यारे बच्चों बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करना है, फैक्टर करा लेने सबके, ठीक है। और जो नंबर पावर 0 हो वो क्या होता है 1, वो भी मैंने आपको करके दिखा दिया कि क्यों होता है। फिर इसके बाद ये जो पावर है इनको दोनों के नीचे सेपरेट कर लो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ, और फिर ये पावर मल्टीप्लाई में लेकर आ जाओ, ठीक है। फिर इसको केयरफुली सॉल्व करते जाओ, जो पावर बची है माइनस में उनको, अगर ऊपर बची है माइनस में तो नीचे ले जाओ, नीचे बची हैं तो ऊपर ले जाओ, तो प्लस की बन जाएंगी। फिर इसके बाद एलसीएम ले लो और सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2।